अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ हुसैन और ये लेक्चर आपको सी सी यू सेकेंडरी स्कूल कोडादो की तरफ से दिया जा रहा है। मैथ हमने 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी, क्वेश्चन नंबर 11, उसके दो पार्ट हो गए थे। तीसरा पार्ट देखें आप, तीसरे पार्ट में रेशियो और प्रोपोर्शन, ये कम्बिनेशन चार टर्म लिख दी हैं। अब आपने करना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और एक्सट्रीम, पहली और चौथी, दूसरी और तीसरी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम या तरफैन कास है ज़रा बराबर है वस्तैन कास है ज़रा। अब वैसे लिख मैं एक्स माइनस 3/2 क्रॉस 4/4 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 5/5 एक्स माइनस 1 क्रॉस एक्स माइनस 1/3। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्सट्रीम पहली और चौथी एक्सट्रीम कहलाती है, दूसरी तीसरी मीन्स या वस्तैन। अब क्रॉस करा दें, 2 1s are 2 2s are, ऊपर वाली टर्म अलहदा मल्टीप्लाई कर दें, ओवर में जो टर्म है वो अलहदा मल्टीप्लाई कर दें। 2 × x − 3/x + 4 इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 से क्रॉस हो गया, बाकी ऊपर बचे हुए 5/1 बचे हुए 3, 5/3 हमने लिख लिया। किया क्या हमने, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्सट्रीम पहली चौथी दूसरी तीसरी मल्टीप्लाई कर दी है, आगे ऊपर जो टर्म है वो आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर में अगर ज़्यादा टर्म है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब इन्हें आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है जी, 3 × 2 6 × x − 3 इक्वल टू 5 × x + 4। ये देख लें मैंने कैसे लिखा है, 6 3 को जो मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 × 2 are 6, फिर 6 से अंदर अप्लाई कर देंगे ब्रैकेट, जब हटाएंगे सारों के साथ अप्लाई कर देना, 6 × x 6 x 6 3 are −18 इक्वल टू 5 × x + 5 4 are 20। आगे कांस्टेंट अलहदा वेरिएबल अलहदा, एक्स वाले टर्म अलहदा लिखवा दें, 6x − 5x = 20 + 18। एक्स की वैल्यू इधर निकाल लेंगे, एक्स इक्वल टू 6 में से 5 एक्स निकाल दिया, एक्स इक्वल टू 20 + 18 = 38। किया क्या हमने, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्सट्रीम फिर सिंप्लीफाई किया, 2 1s are 2 2s are, ऊपर वाली टर्म अलहदा मल्टीप्लाई कर दिया, ओवर में एक टर्म थी हमने वैसे लिखिया, दूसरी साइड पर x − 1 x − 1 से क्रॉस 5/3 बचा, प्रोडक्ट मीन्स एक्सट्रीम अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई किया हमने। आगे क्या करना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई का मल्टीप्लीकेशन चिली पाई जरब कर दिया आपने, 3 × 2 2 6 आ गया, 6 × x − 3 5 × x + 4 मल्टीप्लाई कर दिया पहली दूसरी के साथ, इसे भी पहली दूसरी, कांस्टेंट अलहदा वेरिएबल अलहदा, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, एक्स की वैल्यू आ गया 38। इस सवाल में भी वैसे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और एक्सट्रीम लिखवा दें, वैसे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जी, एक्सट्रीम लिखवाएं पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू पी क्यू माइनस क्यू क्यू ओवर पी प्लस क्यू। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्सट्रीम हमने अप्लाई कर दिया, अब आगे ये तो वैसे रहेंगे, सिर्फ क्या करना है आपने, एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें जो भी है अननोन, एक्स की वैल्यू निकालनी है, इधर ये है मल्टीप्लाइड इधर डिवाइड होगा, लिखवाएं ये सारा वैसे पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू का स्क्वायर है, स्क्वायर खोलना नहीं है आपने, सिर्फ दो बार स्क्वायर लिख दें, पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस होल का स्क्वायर होगा, दोनों बार माइनस, अगर है माइनस दरमियान में तो माइनस प्लस है तो प्लस लिख देंगे, अलहदा अलहदा स्केयर होता है, एक बार माइनस एक बार प्लस लिख देना था। अब आगे डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ इसी स्टेप पर, क्रॉस ये उधर है मल्टीप्लाइड, इधर होगा डिवाइड, या तो आप डिवाइडेड का साइन लिखें, एक स्टेप बढ़ जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाइड फार्म में लिख दें, उल्टा दें इसका रेसिप्रोकल लिखवा दें, पी प्लस क्यू ओवर
पी क्यू माइनस क्यू क्यूब इक्वल टू एक्स। स्टेप देख लें आप, किया क्या हमने, प्रोडक्ट मीन्स एक्सीम, एक्स की वैल्यू निकालनी है ये उस साइड पर है, मल्टीप्लाइड इधर हमने जिसे या तो डिवाइड करना है या डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल लिख दें, पी प्लस क्यू ऊपर लिख दिए और क्यू पी क्यू और क्यू क्यूब ओवर में लिख दिए, और इस लेफ्ट हैंड साइड पर हमने पी माइनस क्यू इस होल का स्क्वायर था मैंने दो बार लिख दिए। अब आगे लिख मैं बाकी सारी टर्म वैसे लिखनी है, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस, मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली टर्म अलहदा लिख दी, ऊपर में लिखा हुआ है पी क्यू माइनस क्यू का क्यू। अब आपने ये फार्मूला अप्लाई कर देना है या रिलेशन अप्लाई कर दें, पी माइनस क्यू माइनस है तो पहले माइनस लिखनी, आगे पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू भाई रिलेशन अप्लाई कर दिए, माइनस है तो पहले माइनस लिख दिया, आगे अपोजिट साइन ये प्लस पी क्यू, अगर इधर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये क्रॉस कर दें और पी माइनस क्यू से क्रॉस कर दें इक्वल टू एक्स, वैसे जी आप पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू बच गया, बाकी सारे टर्म क्रॉस हैं, करना क्या आपने पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू एक्स के। अब एक्स की वैल्यू आ गई, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो आपने क्या लिख देना है पी स्क्वायर माइनस, फार्मूला हमने कई फार्मूला खोल देते हैं या रिलेशन हमने क्लोज कर दी। इसके आगे इसका रह गया पांचवा पार्ट, पांचवें पार्ट में वैसे प्रोडक्ट आप मीन्स और एक्सट्रीम अप्लाई करा दें, एट माइनस एक्स इंटू पहले लिख दें वैसे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जी एट माइनस एक्स और चौथी है ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स इक्वल टू इलेवन माइनस एक्स इंटू सिक्सटीन माइनस एक्स, पहली चौथी दूसरी तीसरी मल्टीप्लाई कर दिए। अब आगे एट को मल्टीप्लाई करना है सारे के साथ, एट इंटू ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स माइनस एक्स इंटू पहले आठ को सारे के साथ मल्टीप्लाई फिर माइनस एक्स को सारे के साथ माइनस एक्स इंटू ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स, दूसरी साइड वैसे इलेवन इंटू सिक्सटीन माइनस एक्स, इलेवन को सारे के साथ एक्स को भी सारे के साथ माइनस एक्स इंटू सिक्सटीन माइनस। स्टेप देख लें किया क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्सट्रीम, फर्स्ट टर्म लिखिए ये सारे लिखिए फिर माइनस एक्स, सेकेंड टर्म लिखिए फिर ये सारी, दूसरी साइड पर भी वैसे हमने किया। अब आठ को ब्रैकेट हटा देंगे, आठ को मल्टीप्लाई करें पहली दूसरी के साथ, एक्स को भी पहली और दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, ट्वेंटी फाइव क्रॉस एट टू हंड्रेड आ गया, माइनस एट क्रॉस एक्स एट एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर वन और वन टू एक्स का स्क्वायर लिख दिया। दूसरी साइड पर वैसे इलेवन क्रॉस सिक्सटीन 176 माइनस 11 क्रॉस एक्स 11x माइनस 16 क्रॉस एक्स 16x, माइनस है तो साइन आपने चेंज कर देने, माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर 1 और 1 टू एम एस किया लिख दी। अब आगे लाइक टर्म प्लस माइनस करें आपकी मर्जी, वरना डायरेक्ट सारी टर्म एक साइड पर लें। चलो एक स्टेप बढ़ा दें आप, पहले लाइक टर्म प्लस माइनस कर दें, 25 और 8 33 होगा, दोनों टर्म माइनस की है, किया प्लस है साइन माइनस का, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 176 माइनस, दोनों टर्म माइनस किए करेंगे प्लस इन्हें साइन माइनस का लगा देना, 27x प्लस एक्स किया, लाइक टर्म हमने प्लस माइनस कर दिया। अब सारी टर्म एक साइड पर लिख दें इक्वल टू जीरो के, 200 माइनस 33x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 176, उस साइड पर प्लस है इस साइड पर ले माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस लिख देंगे, 27x प्लस एक्स स्क्वायर है तो माइनस इक्वल टू जीरो, सारी टर्म इस साइड पर लें, इन सारों की हमने साइन चेंज कर दी। अब जो टर्म क्रॉस है क्रॉस करा दें, बाकी प्लस माइनस करेंगे लाइक टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का काट दिए, 200 लिखा हुआ इधर 176 ये माइनस का है तो आप निकाल दें, बाकी बच गया 24, ये माइनस 33 है ये प्लस 27, 33 में से 27 निकाल दें, माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू जीरो के।
अब कांस्टेंट अलहदा वेरिएबल अलहदा एक्स एक साइड पर लिख दें, बाकी बच्चे हुए 24 दूसरी साइड पर ले जाए। माइनस एक्स एक्स इक्वल टू माइनस 24 माइनस माइनस इक्रास एक्स इक्वल टू 24 सिक्स इधर है मल्टीप्लाइड दूसरी साइड पर डिवाइड कर दें। सिक्स वन जार सिक्स फोर जार एक्स की आपने वैल्यू निकालनी थी, एक्स की वैल्यू निकाल लिया आपने, कितनी आगे किया क्या हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्सट्रीम अप्लाई किया है, पहली को चौथी के साथ दूसरी को तीसरी के साथ, फिर आठ लिखा है ये सारी टर्म दूसरी, फिर माइनस एक्स को बी सी के साथ दूसरी साइड पर हमने यही कंडीशन अप्लाई किया। आगे आठ को मल्टीप्लाई कर दिया पहले दूसरी टर्म के साथ, यहाँ एक्स को मल्टीप्लाई किया लेकिन साइन हमने चेंज कर दी, लाइक टर्म प्लस माइनस किए हैं दूसरी सेट पर भी लाइक टर्म प्लस माइनस किए हैं, फिर सारी टर्म एक सेट पर लेकर जीरो के बराबर, इन्हें इस सेट पर जो लें सारों के हमने साइन चेंज कर दिए, जो टर्म क्रॉस हैं क्रॉस कर दिए, लाइक टर्म प्लस माइनस करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। फिर कांस्टेंट अलहदा वेरिएबल अलहदा एक्स की आपने वैल्यू निकालनी थी, इधर सिक्स से मल्टीप्लाइड उधर डिवाइड कर दिया, एक्स की वैल्यू आ गई फोर। आगे अगली एक्सरसाइज की डिफाइने पढ़ा दें, तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में तीन डिफाइने लिखी हुई हैं, ये पहले लिखी हुई है वेरिएशन की, वेरिएशन या तगैयर, द चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर इज कॉल्ड वेरिएशन। बुक में वेरिएशन की वहाँ वादे डिफाइन नहीं है, मैंने आपको बता दिया वेरिएशन की हेडिंग दी गई और नीचे उसकी टाइप्स लिख दी। वेरिएशन में लिखेंगे आप डिफाइन क्या लिखनी है, द चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर इज कॉल्ड वेरिएशन, उसकी दो टाइप्स हैं डायरेक्ट वेरिएशन एंड दूसरी है इन्वर्स वेरिएशन। तगैयर रास्त या डायरेक्ट वेरिएशन, तगैयर माकूस या इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट में इफ़ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे वन क्वांटिटी इंक्रीज अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज, मतलब दोनों टर्म या इंक्रीज होंगी या दोनों टर्म डिक्रीज होंगी तो ये डायरेक्ट वेरिएशन कहलाएगा। और इन्वर्स की आप लिखेंगे इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर क्वांटिटी डिक्रीज, अगर एक रकम बढ़ेगी तो दूसरी रकम कम होगी तो ये क्या कहलाता है, एंड वाइस वर्सा और इसका बरक्स, तो वो क्या कहलाएगा इन्वर्स वेरिएशन। पहले तीन डिफाइन आपको बताइए, पहले वेरिएशन द चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर इज कॉल्ड वेरिएशन, उसकी टाइप्स दो डायरेक्ट और इन्वर्स। डायरेक्ट में दोनों क्वांटिटीज या इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी तो डायरेक्ट वेरिएशन, अगर एक डिक्रीज होगी दूसरी इंक्रीज होगी तो ये इन्वर्स वेरिएशन। ये तीन डिफाइन करनी है और ये एक्सरसाइज।